तीसरा प्रश्न सच्चा बालक में दिया गया है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? मैं अब्दुल कादिर की जगह होता तो डाकुओं के जोर से बोलने पर डर जाता, फिर मेरे पास जो कुछ होता मैं निकाल कर दे देता, क्योंकि मुझे डाकुओं से डर लगता है। ऐसा आप लिख सकते हो, या आप बहुत बहादुर हो तो आप अपनी तरह से और भी यहाँ उत्तर दे सकते हो। चौथा प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। यहाँ माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, और है पास दूर। तो ये पूरा शब्द को हम पढ़े और उसके सामने दिए गए शब्द भी पढ़े तो इसे हमें क्या समझना है कि ये जो पहला शब्द है उसका सामने का जो शब्द दिया गया है वह विलोम शब्द है। तो हमें क्या समझना है, यहाँ हमने सब पढ़ लिया और समझे क्या कि ये सारे यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसके सामने जो शब्द दिए गए हैं वह सब उसके विलोम शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है। तो ये हमारी बात समझ में आ गई। पांचवा है, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो आपको पूरी कहानी का लेखन, कथन और लेखन करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बड़ा काफिला बगदाद जा रहा था। उस काफिले पर अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, लोगों को लूटने लगे। यह सब कुछ एक बालक देख रहा था। एक डाकू ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। बालक ने उसे बताया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। यह सुनकर डाकू बालक को सरदार के पास ले गया और सारी बात बताई। सरदार ने उस बालक से अशरफियाँ मांगी, तब बालक ने अपनी सदरी फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाल कर दे दी। सरदार ने इस प्रकार अशरफियाँ रखने का उपाय पूछा। तब लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सील दिया था, उससे किसी को पता न चले। सरदार को आश्चर्य हुआ, उसने बालक से पूछ लिया कि तुमने हमें क्यों बताया। तब उस नन्हे बालक ने कहा, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। बच्चों की इस बात से डाकुओं की सोच बदल गई। उन्होंने लूटा हुआ सारा धन लौटा दिया और कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली। यह बालक महान संत अब्दुल कादिर थे, जिनकी समाधि बगदाद में है। आज भी लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये सारी कहानी पढ़कर इसीलिए बताई कि आप भी इसी प्रकार से आरोह अवरोह से, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह है वहाँ प्रश्नार्थ आना चाहिए, जहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, जहाँ आगे बढ़ना है वहाँ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से पूरा कथन करना है और बाद में लेखन करना है। आई बात समझ में बच्चों?